बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे ठीक ठाक होंगे। हमारे इलाके में सर्दियां शुरू होते ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और लकड़ियों की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे सर्दियां गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बर्फ़बारी भी होती है और ऐसे मौसम में लकड़ियों का आना ज़रूरी है। लकड़ियों से हम लोग आग जलाते हैं और सर्दियों का वक्त गुजारते हैं। जो बंदा सर्दियाँ आने से पहले लकड़ियों का इंतज़ाम कर लेता है वो किसी किस्म की भी परेशानी से बच जाता है। अभी दिसंबर चल रहा है तो आप समझ सकते हैं दिसंबर में कितनी ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने अभी तक लकड़ियों का कोई इंतज़ाम नहीं किया, तो वैसे ही जुगाड़ लगा के काम चला रहा हूँ। अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ चीरने के लिए। चलिए मेरे साथ, आपको भी विज़िट करवाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर देही इलाकों में कितनी मुश्किल होती हैं, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। आइए मेरे साथ। लकड़ियाँ चीरने के लिए मैंने अपने साथ कुल्हाड़ा भी उठा लिया है और साथ में कपड़ा भी उठा लिया है ताकि लकड़ियाँ डाल के ला सकूं। अब मैं नाले पे पहुंच चुका हूं और ये है वो छोटी सी लकड़ी जिसे मैंने चीरना है और जलाने के लिए लेके जाना है। तो कुल्हाड़ा मैंने रख दिया है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अपने साथ व्लॉगिंग ट्राईपॉड स्टैंड भी लाया हूँ ताकि वीडियो भी बना सकूँ। तो इसको क्लोज़ भी किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्लोज हो जाता है ऐसे और फिर ऐसे, और जब इसे ओपन करना हो तो ऐसे ओपन करके, तो यहाँ पे मोबाइल फिक्स किया जाता है, यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से व्लॉगिंग की जाती है। ये लकड़ चीरनी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे गोंगे हैं, ये देखें ये देखें, तो ये काफ़ी मुश्किल है चीरनी। लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। ये कुछ लकड़ियाँ मैंने चीर दी हैं अभी, छोटी छोटी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से। इस तरह की छोटी लकड़ी को हम अपनी हिंदको ज़ुबान में डोंडा बोलते हैं। तो आज मैं डोंडा चीरने के लिए आया हुआ था और काफ़ी लकड़ियां मैंने चीर ली हैं। ये डोंडा जी काफ़ी मैंने चीर लिया है, आप देख सकते हैं ये लकड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो अभी मैं इन सब को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके वो जो सुरख कलर का कपड़ा आप देख रहे हैं उसमें डाल के मैं घर ले जाऊंगा। काफ़ी बिखरी हुई थी ये सारी लकड़ियाँ, तो क्योंकि जब लकड़ियाँ चीरते हैं तो ये इधर उधर बिखर जाती हैं, फिर इनको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद एक कपड़े में बांध लिया जाता है और फिर बांध के घर ले जाते हैं। तो अभी मैंने ये सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, तो इनको मैं अभी इस कपड़े में बांध लेता हूँ और फिर घर ले जाता हूँ। इकट्ठी करने के बाद कपड़े में बांध ली हैं और अब मैं लेके जा रहा हूं घर।
लकड़ियाँ लेके मैं वापस घर आ गया हूँ। तो अपने मेज़बान मोहम्मद शहजाद को दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।